श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की। अभी मैं कह रहा था कि जिस कर्म में हमें सुख का अनुभव होता है उस कर्म को बार बार दोहराने की इच्छा होती। नशे का सुख जब हम पाते हैं तो बार बार नशा करने लगते हैं। नशा आवश्यक नहीं है, पर एक बार उसका चस्का लगा तो हम बार बार उसको खाने लगते। इसको हम हैबिट, आदत कहते हैं। आपको फिर कहा जाए इसे छोड़ दो तो छोड़ नहीं पाते। कई कर्म बचपन में आवश्यक नहीं थे, जवानी में आवश्यक हो गए तो हम बुढ़ापे में भी उन कर्मों को दोहराते हैं। इसी तरह से किसी से दुख हो गया, किसी व्यक्ति से, उसकी याद भी दुख देने लगती। जिससे नफरत हो गई है, पहले मित्रता थी, चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, बेटा ही क्यों ना हो, पड़ोसी क्यों ना हो, उससे पहले कोई नफरत नहीं थी। पर किसी कारण से एक बार यदि नफरत हो गई तो उसकी याद भी दुख देने लगी, उसका दिखाई पड़ना भी दुख देता है, उसका बोलना भी दुख देता है, उसकी स्मृति याद। पर हम लोग भगवान को कहते हैं कि प्रभु जी तेरी याद महासुखदायी। पर अभी हमें उसका चस्का नहीं लगा। संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, गुरु कहते हैं कि प्रभु जी तुम्हारी याद परम सुखदायी। जिन्होंने बोला है उन्होंने अनुभव किया है कि वो याद सुखदायी है। और बता दें जिनसे सुख मिला है उनका वियोग भी दुखदायी। जिससे भी हमें सुख की प्राप्ति हुई है उसका न रहना दुखदायी होता है। मान लो पत्नी से, पति से किसी को सुख मिलता है तो वो जीवित रहते भी कहीं चला जाए, चली जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, उसका वियोग दुखदाई है। और वियोग ही नहीं, फिर उसकी याद आएगी, उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी याद आई तो दुखदाई हो गई। धन का सुख मिला, मान का सुख मिला, उसका अभाव हो गया तो याद आती है पहले हमारी बड़ी इज्जत थी, अब दुख होता है याद कर करके। क्योंकि दुनिया की चीज मिलकर बिछुड़ जाती है, इसलिए याद दुखदाई हो जाती है। पर भगवान मिलकर कभी बिछुड़ते नहीं, इसलिए याद दुखदाई नहीं होती, याद सुखदाई होती। भगवान का सुख नहीं मिला ये संभव है, पर मिल जाए तो वो बिछुड़ता नहीं, सिर्फ या भूल जाएंगे या याद आएगी।
पति की पत्नी की बेटे की मृत्यु हो गई तो उसकी याद दुख देती है। क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। भगवान का सुख हमें मिला तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है क्या, जो याद दुख देगी? ज़रा ध्यान रखो। इसलिए परमात्मा की याद का सुख किसी को मालूम नहीं, ये बात अलग है, पर यदि मालूम हो जाए तो उसकी याद कभी दुखदाई नहीं होगी, क्योंकि उसका अभाव ही नहीं है। दूसरा, न मृत्यु को प्राप्त हो, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पिता, तुम्हारा बेटा विदेश रहने लग जाए तो दूरी से भी दुख होता है, उसकी समीपता का सुख मिलता है तो दूरी से दुख मिलने लगता है। पर भगवान जब मिल जाता है तो वो ऐसा भी नहीं कि चला जाता है, याद तो चली जाती है। देखो, भगवान की याद चली जाती है पर भगवान नहीं जाता, इसलिए भगवान की याद पा लेने के बाद कभी दुखदाई नहीं होती। जब चाहो याद करो, सुमिरो। देखो, फर्क समझ गए? हम कहेंगे संसार को सुमिरो, बचपने को सुमिरो, जवानी को सुमिरो और दुख भोग दुख याद करो। पहले जैसे सुंदर नहीं है, याद तो है पर पहले जैसे सुंदर नहीं है तो याद दुखदाई हो गई। पहले जितना धनी नहीं है, याद दुखदाई हो गई। पहले राजा थे, मिनिस्टर थे, अब रहे नहीं, याद आती है तो दुखदाई हो गई। भगवान मिले, चले नहीं गए, याद चली गई। इसलिए कहा सुमिरो, सुमिरी, सुमिर सुख पाओ। और संसार की याद सुमिरो, सुमिर सुमिर दुख पाओ। देखो, हाँ, सुमिरो सुमिर सुमिर दुख पाओ। बचपन की याद करो, पहले के किसी दिए हुए प्रेम की याद करो, पहले से किसी ने बहुत आपको सम्मान दिया अब नहीं देता तो याद करो, जलो, दुखी रहो। पर भगवान की याद करो और सुखी हो जाओ। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। याद कर कर के सुख भगवान से मिलता है। और कभी संसार की याद सदा सुखदाई नहीं रहती। प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई, संसार की याद सदा सुखदाई नहीं है। यदि है भी सुखदाई तो क्षण भर है, याद दुख देने लगती। इसलिए भगवान का सुमिरन करना चाहिए। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ। कल कल कलेश तन माय मिटाओ, और काज तेरे किते ना काम, मिल साथ संग भज केवल नाम। भगवान का सुख पर मिलता नहीं। कई बार सुमिरन करने वाले को सुख अभी नहीं मिलता, उसका चस्का नहीं लगा। सुमिरन करने बैठे भी पर सुमिरन में जप में सुख नहीं मिला। सब लोगों को जप में सुख मिलता है क्या? यदि मिलता होता तो रोज न करते। पीने वाले मना करने पर भी मानते नहीं, भजन कहने कहने पर लोग करते नहीं, और करने भी लग गए मन लगता नहीं, सुख मिलता नहीं, तो पाप न लग जाए इसलिए कर लेते हैं, गुरु बनाया है इसलिए कर लेते हैं। यदि गुरु कह दे अब जप छोड़ दो, बिना जप के भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा तो छोड़ने को तैयार बैठे हो। कई बार चोरी करने में मना करने पर भी कर लेते हैं, काम की पूर्ति छिपके भी कर लेते हैं,
भजन दिखाने में तो करते हैं, अकेले में नहीं करते। क्यों? मजा नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, जो मोहि राम लागते मीठे। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि लगते हैं, लगते तो किसी भाग्यशाली को है मीठे, नहीं तो राम नाम तो कड़वा लगता है। भजन जितना बेकार का काम किसी को लगता ही नहीं, मनाए मनाए लोग नहीं करते। गोस्वामी जी कहते हैं, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नौरस खटरस हो जाते सब फीके, जो मोहि राम लागते मीठे। राम मुहि मीठा लगे, राम मुझे प्यारा लगे, मीठा लगे, तो अब कोशिश करो कि प्रेम से करो। पहले प्रेम से करोगे तो मीठा होगा। इसीलिए गुरुओं ने संतों ने क्या कहा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। मैं थोड़ा सा बदल के कहूं, वाणी को नहीं बदलता, आपके समझाने के लिए थोड़ा शब्द बदल रहा हूं। क्या? राम मुहि प्रभु तेरा नाम सदा सुखदाई। चलो, तो राम नाम सुखदाई है, पर अभी हमको सुखदाई नहीं लगता, तो क्या करें? सुखदाई लगे, प्रेम करें। तो गुरु महाराज ने कहा, जिन प्रेम कियो बोलो तिनही प्रभु पायो। मैं बदलना क्या चाहता था, जिन प्रेम कियो तिनही सुख पायो। बिना प्रेम के राम मीठे नहीं लगेंगे, इसलिए भजन जब करो प्रेम से करो, श्रद्धा से करो। एक श्लोक कहकर ध्यान कराएंगे, एक श्लोक और बोलना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अश्रद्धया, जिसमें प्यार नहीं है। राम राम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। प्रेम से नहीं करते भजन, भी करते हैं प्रेम से नहीं, पूजा भी करते हैं प्रेम से नहीं करते, श्रद्धा से नहीं करते। कई बार इसलिए करते हैं पूजा कि करेंगे तो वो चीज मिलेगी, यदि वो चीज ना मिले तो प्रेम करोगे? मान लो भजन करने से स्वर्ग मिलता है, मिलेगा, या अगला जन्म अच्छा होगा, मान लो अगला जन्म ना अच्छा हो तो भजन करोगे? अच्छा ये बताओ, इसी तरह दूसरी बात, जब आप स्त्री या पुरुष प्रेम करते हो तो पुत्र भी चाहते हो, पर जब पुत्र नहीं चाहिए तब भी प्रेम करते हो? केवल पुत्र के लिए ही शादी नहीं लोग कर रहे, करना तो चाहिए पुत्र ही के लिए, बाकी नहीं। प्रजनस चास्मि कंदर्पः, काम सुख प्रजनन में हो बस। लेकिन हम जानते हैं कि पुत्र नहीं चाहिए, पर काम सुख लोग लेते हैं। ऐसे ही मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, पर मैं भजन करूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। मोक्ष भी नहीं चाहिए, पर जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मैं केवल भजन चाहता हूं, प्रभु
तेरी याद का सुख, तेरी याद का आनंद, बस मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। मुझे भजन के बदले में स्वर्ग, भजन के बदले में मोक्ष, भजन के बदले में दुनिया नहीं चाहिए। खाना पड़ता है, रोटी चाहिए, पर भजन का सुख, रोटी मिलेगी पर भजन का सुख। तो जिनको भजन का, ध्यान का सुमिरन मिलने लगे, तो मैं गीता का श्लोक कहने वाला था, अश्रद्धया हुतम, हुतम माने आहुति दी। बिना श्रद्धा के भाव नहीं था, विश्वास नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। अश्रद्धया हुतम आहुति कर दी, हुतम दत्तम दान दे दिया। अश्रद्धया हुतम, हुतम दत्तम कृतम चयत, खूब किया, बहुत कुछ किया। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत, और भगवान ने कहा कृतम चयत, कुछ भी किया आपने, यात्रा की, तीर्थ यात्रा की, जाने भजन, कुछ भी किया, कृतम चयत। असद इति उच्यते पार्थ, अय अर्जुन, अय पार्थ, सब झूठा है। असद इति उच्यते, काम इतने अच्छे हैं, पर गीता कहती असद इति उच्यते, इन सब कर्मों को, दान धर्म को असत कर्म कहा है। असद इति उच्यते क्यों कहा है? न चतत प्रेत्य, न तो मरने के बाद उसका कुछ तुम्हें मिलेगा, नो ही न यहाँ मिलेगा, न अभी मिलेगा, न कभी मिलेगा। कहते फिर कहते हैं यदि श्रद्धा से करोगे तो अभी भी मिलेगा और बाद में भी मिलेगा। आप यदि बड़े प्रेम से अभी अभी भजन करो, प्रेम से करो, अभी अच्छा लगे, यदि अभी भजन अच्छा लगने लग जाए तो बाद में स्वर्ग मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं नहीं सही, अभी तो अच्छा लगा। जिनके पुत्र नहीं होते वो भी काम सुख लेते रहते हैं, पुत्र हो जाए उसके बाद भी लेते रहते हैं, ये भी नहीं कि चलो मतलब निकल गया फिर पहचानते नहीं। पुत्र हो गया तो पत्नी से प्यार नहीं रहता, मान लो मुक्ति मुझे मिल भी गई तो भजन छोड़ दूंगा। स्वर्ग मिल गया, मान लो भगवान ने स्वर्ग हमें दे भी दिया कि हाँ लो स्वर्ग, तो स्वर्ग मिलने पर भजन छोड़ दे। मान लो आपके मेरे से प्यार है और मैंने नौकरी भी दिला दी, तो नौकरी मिल गई और अच्छी बात हो गई, लेकिन आप मेरा भजन छोड़ दोगे, मेरा बताया रास्ता छोड़ दोगे। और मान लो नौकरी नहीं मिली पर मेरे बताए साधन में आनंद मिलता है, तो नौकरी नहीं मिली वो एक बात है, लेकिन मेरे बताए भजन से आनंद मिलता है। नौकरी भी मिल जाए अच्छी बात है, फिर नहीं मिली तो भजन का सुख तो मुझे मिल ही रहा है। इसी तरह मैं रोज सुबह टहलने जाता हूँ, दौड़ता हूँ, यदि किसी कंपटीशन में इनाम मिल जाए तो ठीक है, और नहीं तो टहलना छोड़ दूंगा। क्यों? टहलने का मुझे आनंद मिलता है, टहलने से मुझे स्वास्थ्य मिलता है, इनाम जाए भाड़ में। क्या स्वास्थ्य इनाम नहीं है? क्या स्वास्थ्य पुरस्कार नहीं है? क्या भक्ति का आनंद कम है? पर अभी हम ऐसे लोगों को बहुत कम मिले हैं जिन्हें भजन का सुख मिला है, इसलिए मैंने बात इतनी भूमिका बनाई कि भजन में सुख मिलने लग जाए। तो आज अभी हम कहेंगे मंत्र, तो देखो कराते समय जो मंत्र श्वास में चलते हैं उनको आप रोज करिए, चाहे राम नाम करिए, चाहे सोहम करिए, चाहे वाहेगुरु करिए। देखो करके बता दूं तीनों को,
तीन मैंने किए, एक में किया वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, एक में किया सो हम सो हम सो हम, एक में किया रा म रा म रा म। अच्छा किससे ज्यादा फायदा होगा? अच्छा किससे आनंद आएगा? सोहम से कि वाहे गुरु से कि राम नाम से? रा म किससे ज्यादा आएगा? हाँ आएगा सभी से, पर एक बात शर्त और है, जिस पर तुम्हारा विश्वास ज्यादा होगा। हो सकता है मैं सिखों को कहूं कि राम नाम जपो, तो यद्यपि वाणी में है पर कुछ लोग यही प्रचार करते हैं कि ये हिंदुओं का ज्यादा है ना, इसलिए सरदारों का कम है। और वाहे गुरु किनका है? सरदारों का, इसलिए हिंदू जपेगा तो फायदा नहीं। अच्छा चलो होगा फायदा पर प्यारे ही नहीं है। अच्छा मुसलमान को कहो राम राम जपे, उससे कहो मंदिर में आके आरती करे, उसे सुख मिलेगा? मेरे जानते नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसका भाव ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, उस पर श्रद्धा ही नहीं। और तो छोड़ो, चलो मेरी आरती करो। अब मेरी आरती यदि मान लो करने लग जाओ, उनका कह दे खड़े होके करो आरती। एक हमने एक भक्त ने मैं सुझाव दिया था कि आप ये किसी को मत कहा करो कि आरती करके जाओ, ये कहो कि अब स्वामी जी की आरती होगी, जिन्हें जाना है चले जाएं, जिन्हें रहना है रहें। कम से कम आजादी तो दो कि उसका दिल करता हो तो आनंद ले ले, उसका दिल ही नहीं, उसको आनंद ही नहीं आरता आरती करने में, तो काहे को बिचारे को नरक में खड़ा रखोगे? जहां तुम्हारी प्रीति नहीं है उस कर्म में आनंद नहीं मिलता। इसलिए साच कहाऊं सुन ले वो सबै, जिन प्रेम कियो हाँ तिन्हीं प्रभु पायो, तिन्हीं सुख पायो, तिन्हीं ने आनंद शांति पायो। और सुमिरो सुमिर सुमिर, सुमिरन करने में तो गुरुजी बोझ लाद देते हैं महाराज, मन लगता नहीं, पर रोज नियम से करते हैं, रोज प्रेम से नहीं करते, नियम से करते हैं। नियम तो जरूर हम स्वामी जी कर लेते हैं, आपकी आज्ञा पालते हैं, पर कब छुट्टी मिल जाए, छुट्टी मिल जाए सुमिरन से। खाने से छुट्टी ना मिले कि खाने, हे प्रभु ये पेट खाने को मजबूर करता है, हे प्रभु छुट्टी दे दो, तो काम से भी छुट्टी मिल जाए, भजन ही किया करे। बड़ा सोच का फर्क है। तो अब आप क्या करोगे? जिसकी जिस पर श्रद्धा हो, इसलिए मैंने कहने के साथ ये बता दिया, चाहे वाहे गुरु करो, चाहे राम करो, चाहे सोहम। सोहम मंत्र बहुत अच्छा है पर सबको फायदा नहीं होता, क्योंकि मंत्र पर पूरी श्रद्धा नहीं है, राम नाम पर तो है भी थोड़ी ना पूरी, सही थोड़ी है भी, पर सोहम में है ही नहीं। यदि ये कौन सा मंत्र? पर यदि मंत्र पर श्रद्धा पूरी हो जाए, कोई भी मंत्र पर, इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप और प्रभु का विश्वास या गुरु का विश्वास। गुरु ने जो नाम दिया, मान लो मैं सोहम दे दूं, वाहे गुरु दे दूं, राम नाम दे दूं, ओम नमः शिवाय दे दूं, उदाहरण के लिए, तो गुरु ने दिया तो गुरु को विश्वास करो, ठीक है ना? इसीलिए कहते हैं यदि पै लगाई, मंत्र तो दिया पै, हमारे मन का नहीं दिया, तो या तो मन का मंत्र मांगो
या जो गुरु दे दें उसी का मन बना लो, यही ठीक है। दो बातें, या तो गुरु से कह दो भाई मैं राम का भगत हूं, मुझे कोई भगवान का मंत्र दे दो, ठीक है, और या जो मंत्र दे दें ठीक है। तो आज कोई हम मंत्र नहीं दे रहे, हम आपको सिर्फ संशय मिटाकर श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु के मंत्र जपने की बात कह रहे। पर अभी अभी जो बताएंगे वो श्वास के सिस्टम में, पर मान लो किसी का मंत्र शो हम, दो भागों में नहीं बढ़ता, शो हम वाहे गुरु राम श्याम राधा कृष्ण, राधा कृष्ण सीता राम सीता राम, यदि दो भागों में नहीं बटता श्वास पे नहीं तो दूसरी विधि है, जैसे इस धागे में बहुत मन के हैं, एक धागा है मन के, बोलो अब बहुत है संख्या नहीं, इसी तरह से श्वास के धागे में नाम की मन का कई पिरो दो, जैसे श्वास अंदर जा रही अब देखो बताऊंगा तो समझोगे मैंने क्या किया, एक बार श्वास लेने से लौटाने तक गिनती तो नहीं की, पर बहुत बार मैंने मंत्र जाप किया, एक ही मंत्र को बार बार बोला, बताऊं क्या बोला, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, श्वास लेता गया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलता गया, श्वास छोड़ता गया ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलता गया, ऐसा किया। तो जो मंत्र दो भागों में न बटे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र है तो एक ही बार में जाना आना, मंत्र बोल रहे हैं श्वास ले रहे हैं, मंत्र चल रहा है श्वास निकल गई, एक बार में एक बार तो मंत्र हो जाएगा, लंबा है हो जाएगा, कोई कोई एक बार लेते में एक बार छोड़ते में जपेंगे। तीसरी बात, यदि श्वास कम देर चलती है तो मंत्र की स्पीड तेज कर दो, मान लो इतनी इतनी दूरी को आप एक मिनट में तय करते हो, यदि आपको श्वास लिए लिए तक श्वास छोड़ने की इजाजत ना हो, जैसे वो पहले कबड्डी खेलते थे ना, तो एक श्वास में ही चक्कर लगाना है, अब उतनी देर में आप कर सको कर लो, नहीं तो चक्कर बेकार गया। तो इसी तरह से उतने समय में आप मंत्र तेज कर दो तो मंत्र पूरा हो जाएगा, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इतनी देर नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र को तेज गति से चलाओ तो हो जाएगा। इस तरह से आपके जो गुरु हो जो मंत्र हो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर अभी श्वास में तीन में से कोई एक चुन लो आज के लिए, रोज के लिए आपका अपना, और दो विधियां ऐसे ऐसे और धीरे धीरे देर तक, ये विधि बता दी इसलिए कि आप कुछ दिन करो, सच्चे मन से करो, भगवान की फोटो लगा के मंदिर में बैठकर एकांत में बैठकर प्रभु की याद करके पूरे विश्वास के साथ बैठो
कुंडलनी का जग जाना, आनंद आना, रोशनी होना, नाद सुनाई देना, शरीर का हल्का हो जाना, शरीर का उठने लगना, आनंद में डूब जाना, बहुत तरह के चमत्कार होंगे, आप कर सकते हो। अब आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करिए और अब पहले मन को पहले निर्णय लीजिए कि आज आप तीन में से रा म ये जपोगे बिना आवाज के, श्वास से ये शब्द रा म शो हम शो हम शो हम शो हम शो हम शो, मैंने जल्दी देर इसमें भी कर सकते हो श्वास जैसी, ऐसे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु शो हम, कोई एक मंत्र श्वास के साथ करिए, आंख बंद करिए, रीढ़ सीधी करिए। अब पहले मंत्र ना लेकर पहले श्वास ही जरा धीरे धीरे लंबी लीजिए और छोड़िए, ध्यान को पूरा अंदर ले जाओ, सजग हो जाओ, पूरी चेतना जगाओ। अभी अभी गीत सुना था ना, ये सोई चेतना को, हाँ, जन्म जन्म से अंतर सोई चेतना को जगाओ, ज्योति जगाओ, चैतन्यता जगाओ। ज्योति जगाओ माने चैतन्यता जगाओ, सजगता बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ और नाम जपो। श्वास लंबी लो, लंबी छोड़ो, और लो और छोड़ो, धीरे धीरे लो, धीरे धीरे छोड़ो, और आनंद से लो और आनंद से छोड़ो। श्वास तो सोए में भी चलती है पर तुम तब जागे नहीं होते, श्वास तो दिन भर चलती है, जागे तो होते हो पर श्वास पर जागे नहीं होते। नींद में तो श्वास संसार किसी के प्रति जागे नहीं होते पर श्वास चलती रहती है, शरीर पड़ा रहता है, और कभी कभी श्वास चलती रहती है, आप जागे भी हो पर चिंताओं में डूबे हो। तो क्या करना है, सारी चेतना को श्वास में शरीर में ले आना है, शरीर में और श्वास में। लंबी सी श्वास लीजिए, ध्यान से लीजिए, होश से लीजिए, सजग रह के लीजिए, प्रेम से लीजिए, ये सोई चेतना को सोई ज्योति को जगाओ हो गुरुदेव, जग जावे, इतनी ऐसी ज्योति जगे मेरे सतगुरु, अमृत का आनंद की वर्षा हो जाए, प्रेम बरस जाए, आनंद में डूब जाऊं, ऐसी कृपा करो, जगाओ सुरति को। बहुत अच्छे, अब आप शब्द शुरू कर दें, तीन में से कोई, मैं कोई नाम नहीं बोलूंगा, चाहे रा मा, चाहे शो हम, सोहम नाद सुनाओ सतगुरु, राम नाम दो मेरे सतगुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु शो हम। अब मैं बंद करूंगा, तीन में से कोई चीज बड़े प्यार से, श्रद्धा से, सावधानी से नाम जपो, नाम ना बिसरे। अब ध्यान रखो, जो नाम आपने लिया है ये बिसरे ना, नाम ना बिसरे, नाम ना बिसरे, ऐसी कृपा करो महाराज, नाम ना बिसरे। प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे परमात्मन, हे अकाल पुरुष, हे निरंकार, नाम नहीं बिसरे, मैं भूलू नहीं, याद रखूं, सुमिरन से श्वास चले, सुमिरन में नाम चले। हाथ नहीं, हाथ जपते रहते हैं,
जबान बोलती रहती है, सुरति कहीं चली जाती है। इसलिए करमुखते बहुतक जपें, हाथ से और जबान से माला से बहुत लोग जपते हैं। श्वासा विरला कोई, श्वासा से कोई विरले करते हैं। आप जप करते रहो, सुमिरन करते रहो, श्वासा विरला कोई और श्वासा तजी अनुभव करे। श्वासा की भी जरूरत ना पड़े, अंदर नाम चले, अनाहत चले, शब्द चलना शुरू हो जाए, अंतर तुम्हारे में शब्द उठता रहे, श्वास भी आवे ना आवे वो बहुत बाद की बात है। पर तीनों इकट्ठे नहीं, पहले हाथ मुख से लोग जपते हैं, फिर श्वासा से कोई कोई बिरले जपते हैं, फिर श्वासा के बिना भी अंदर शब्द चलता रहता है, सतत चलता रहता है। वो तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे। प्रेम से जपो, श्रद्धा से जपो, डूबो मस्ती में, समझो मेरा भाग्य जाग गया है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वैसे तो राम रतन, पर आज नाम रतन, नाम रतन पा गया। कोई नाम पाया, चाहे सोहम पाया, चाहे राम नाम पाया, राम पाया, चाहे वाहे गुरु पाया, एक नाम पाया, ये रतन है, ये हीरा है, जवाहरात है, ये सबसे कीमती है। हीरे जवाहरात क्या हैं, वो भी कल साथ छोड़ जाएंगे, पर जिसका मैं नाम कर रहा हूँ अकाल पुरुष, जिसका मैं नाम सुमिरन कर रहा हूँ परमात्मा, वो तो सदा मेरे साथ है, याद नहीं रहती। वो तो मेरे साथ है, मैं ही भूलता हूँ, मुझे ही परख नहीं है, पहचान नहीं है। कोई गुरु पहचान करा दे कि अंतर बैठा है चैतन्य, अंतर बैठा है देखने वाला, तुम्हारे भजन को देख रहा है, तुम्हारे सुमिरन में जाग रहा है। सब उसे पता है कि तुम प्रेम से कर रहे हो या नाटक कर रहे हो, सच्चे दिल से कर रहे हो या दिखावा कर रहे हो। बहुत अच्छे करो, आज ही जीवन धन्य कर लो, आज ही बेड़ा पार करो, लग जाओ हे प्रभु। प्रभु से पुकारो, प्रभु तेरा नाम नहीं चल पाता, तेरी याद नहीं चल पाती। ये भटका मन, ये नास्तिक मन श्रद्धा नहीं कर पाता। हे प्रभु श्रद्धा भी तुम्हें दे दो, भक्ति का दान करो, प्रेम की बख्शीश करो, और कुछ दो न दो, प्रेम दे दो, भक्ति दे दो, सुमिरन दे दो, सुमिरन में रस दे दो, जिससे मेरा पापी मन संसारी मन लग जावे। लगा लो प्यारे, प्यार से धीरे धीरे श्वास लेना और छोड़ना, उसी अनुपात में मंत्र को लंबा करना, वैसे ही लंबा, देर तक लेने में, देर तक छोड़ने में, मंत्र का सुमिरन करो, लगन लग जाए, पागल हो जाओ। जैसे दुनिया के प्रेम में पागल होते हैं, जैसी नियत हराम पर, ऐसे ही हरि पर होए, ऐसी भजन पर होए, चले जाओ बैकुंठ को, बाह न पकड़े कोए, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, हीरे रतन जवाहर सब तेरे अंदर हैं। यत पिंडे सैव ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे सैव पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे शरीर में है, जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इसलिए जो खोजे सो पावे, बहुत अच्छे करिए, और प्रेम से करिए, और मस्ती से करिए, चाहे जल्दी जल्दी करिए, चाहे देर देर से करिए, जिसमें आपको सुविधा हो जल्दी जल्दी करो। जल्दी लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, मंत्र लिया और छोड़ा, श्वास छोड़ी श्वास ली, मंत्र सही श्वास ली मंत्र सही छोड़ी, लग जाओ मशीन की तरह, चैतन्य मशीन हो।
सजग मशीन हो, प्रेम से कर रहे हो, केवल पंखा नहीं हो जो घूम रहे हो। हाँ, मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, हे प्रभु आहा आज क्या मिल गया, धन्य हूँ, भाग्यशाली हूँ, सुबिरन की विधि मिल गई। मंत्र नहीं, मंत्र तो पहले से ही परमात्मा ने दिया हुआ है, तुम्हारे गुरु ने दिया हुआ है, विधि मिल गई, विधि इच्छा, विधि हठ, हाँ विधि चाहिए, दृढ़ता चाहिए, करिए बहुत अच्छे। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, बावरे बावरे, ऐ पगले कहाँ भटकता है, नाम जप। श्वास को व्यर्थ मत खो, पता नहीं कब तक आएगी ना आएगी, एक एक श्वास को सुमिरन से ले। श्वास तो बिना सुमिरन के भी चलती है, रात को चलती है, दिन में भी चलती है, क्या नहीं चलता, सुमिरन। तो तुम्हें श्वास नहीं चलानी, सुमिरन चलाना है। श्वास तो बिना चलाए चलती है, रात को सोए में चलती है, दुखी हो तब भी चल रही है, दौड़ते हो तब भी चल रही, लेटे हो तब भी चलती है, नहीं चलता सिर्फ सुमिरन, नहीं रहता सिर्फ प्रेम, प्रेम नहीं रहता, सुमिरन नहीं रहता। तो तुम भाई प्रेम जगाओ, सुमिरन जगाओ, बहुत अच्छे। जरा देखो, श्रद्धा जगी, प्रेम जगा, भाव जगा, भाव का सुख। दुनिया का सुख तो बिना भाव के भी मिलता है, पर यह सुख तो भाव से ही मिलता है। हे प्रभु, मेरी सारी मांग खत्म हो जाए, बस एक मांग मेरी पूरी हो जाए, सुमिरन की, सुमिरन की, सुमिरन की। और थोड़ी थोड़ी हुई, एक श्वास ली, देखो ध्यान से ली कि नहीं, प्रेम से ली कि नहीं। और दूसरी बात, आधी, कई बार आधी ध्यान से ली, आधी ध्यान खिसक गया। एक बार ध्यान से ली, दूसरी बार बिना ध्यान के चली गई। तो फिर सावधान हो जाओ, ध्यान को फिर ले आओ, सुमिरन को फिर जगाओ। एक बार बड़े उत्साह से ली, दूसरे बार बिना खुशी के। यूं तो हमारे संतों ने कहा है, भाव कुभाव अलख अनख आलसहु, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। पर फिर भी भाव से जपो, भाव से जपो, और नहीं भाव है तो कुभाव के जपो, अनख से जपो, फिर झिरा के जपो, आलस्य से भी जपो, चलो जपो। और ये देखो जप चल रहा है कि नहीं, चाहे जैसे चल रहा है, चल रहा है, और हम जाग रहे हैं, आज जप चल रहा है, जप चल रहा है, आज नहीं प्रेम आया, कल आ जाएगा। करते करते, हाँ हमारे त्यागी जी बोलते हैं, हाँ भाई झूठा खेल है, सच्चा होए, सच्चा खेले बिरला कोए। तो झूठा ही सही, शुरू करो जाप, शुरू करो सुमिरन, नहीं प्रेम है तो बिना प्रेम के सही, फिर क्या होगा, करते करते प्रेम भी आ जाएगा, सच्चा जाप हो जाएगा, बात बन जाएगी। इसलिए झूठा शुरू करो, नाटक शुरू करो, भजन का, ध्यान का नाटक शुरू करो, तो सच्चा हो जाएगा। और सच्चा करोगे तो कहने क्या है, तो सच्चा तो कोई कोई बिरले करते हैं, पर चलो कर तो रहे हो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और करिए। चाहे धीमी लंबी श्वास से करिए, चाहे जल्दी श्वास से करिए, हाँ जैसा दिल करे तैसा करिए, आज दिल की करिए। आज तुम्हारा मन
खूब उत्सव से करता है, करे, खेलो खेलो, मस्ती में आओ, दो मिनट और। बहुत अच्छे, इसी भजन के लिए अभी आप आंखें खोल दें दो मिनट के लिए। एक मैं विधि और बता दूं, इसलिए बता दूं कि शायद इसमें कोई बाधा पड़ी है, क्योंकि पहले कुछ मैंने कराया नहीं। तो ऐसे करना है, पहले शुरू में जब श्वास लीजिए तो शरीर और श्वास दोनों को चलाइए, जैसे मंत्र नहीं पहले चलाओ, पहले ऐसे ही करो, हैं ऐसे थोड़ा। इसको करने से क्या होगा, जो शरीर का खून जम जाता है, दर्द होने लगता है, आलस्य आता है, वो नहीं आएगा। पहले ये करो एक आध मिनट, फिर दूसरा। इसको हम तीन बार करेंगे, इसको आज तो एक ही बार करो, पर ये विधि बताते हैं इसी तरह से। इस तरह से एक बार करना, एक मिनट, फिर रुकना, फिर एक मिनट, फिर रुकना, फिर एक मिनट। ये तो हो गई क्रिया। फिर दूसरे में शरीर नहीं हिलाना, सिर्फ श्वास चलाना। ये भी तीन बार करना है। एक मिनट करो फिर रुक जाओ, फिर एक मिनट करो फिर रुक जाओ, फिर एक मिनट करो। ये तीन तीन बार जब दो हो जाएं, तब जो आज हमने बताया है तब शुरू करो। आज जो पहले बताया ये बाद में कर दो, एक एक बार आज कर लो। करो, आंख बंद करो और पैर, जंघा, हाथ खूब हिलाओ, श्वास फेंको श्वास लो, भस्त्रिका करो, श्वास फेंको श्वास ले, श्वास फेंको, शरीर हिलाओ, जंघा हिलाओ, धड़ हिलाओ और हिलाओ और हिलाओ और मस्ती से श्वास फेंको श्वास लो, श्वास फेंको श्वास लो, श्वास फेंको, इनहेल एक्सहेल, भस्त्रिका ले लो, फेंको ले लो, फेंको ले लो और आनंद से, और हिलो और हिलो, हिलो थोड़ा, शरीर पैर हाथ सब हिलाओ, चाहे जैसे हिलाओ पर श्वास फेंकते जाओ, लेते जाओ, फेंकते जाओ, लेते जाओ, फेंको लो। बहुत अच्छे, और जरा और आधा मिनट कर लो, और करो और करो और करो और करो और करो और करो। बहुत अच्छे, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब आराम की श्वासें लो थोड़ी देर, और सहज छोड़ो, सहज लो, आराम करो, आंख बंद रखो। ये जो आज एक बार किया ये तीन बार करना है, कोई बात नहीं, आने दो खांसी खांसी, डरो मत। और दूसरा अब क्या करना है, अब शरीर नहीं हिलाना, अब थोड़ी देर श्वास लीजिए, फेंकिए, खूब जल्दी लीजिए, फेंकिए, लीजिए, फेंकिए, लीजिए, फेंकिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छे, लीजिए, फेंकिए, लीजिए, फेंकिए, लीजिए, फेंकिए, श्वास फेंकिए, श्वास लीजिए, जल्दी लीजिए, जल्दी फेंकिए, जल्दी लीजिए, जल्दी फेंकिए, और शरीर कम से कम हिले, जंघा नहीं हिले और ज़्यादा धड़ नहीं हिले, पर श्वास लोगे कुछ तो हिलेगा, वो मजबूरी है। लीजिए फेंकिए, लीजिए फेंकिए, लीजिए फेंकिए, बहुत अच्छे, और जल्दी जल्दी करिए, और जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी, बहुत अच्छा। 15 सेकंड और, माने चौथाई मिनट और करिए, और करिए, और करिए, और करिए, और करिए, और इसके बाद थोड़ी देर में रुक जाइए। रुकने के बाद अब आराम की श्वास लीजिए और छोड़िए। अब आराम की श्वास लीजिए, शरीर स्थिर हो गया, शरीर निष्क्रिय हो गया, प्रतिमा की तरह शरीर रखा है, जैसे मूर्ति रखी है, पर इस मूर्ति में भीतर श्वास चलती है, प्राण प्रतिष्ठा है। प्रतिमा में भी प्राण प्रतिष्ठा, इसमें, इस प्रतिमा में तो प्राण की प्रतिष्ठा है ही, और इसमें देवता भी विराजमान है। देह देवालय है,
इसमें अंदर चेतन देवता बैठा है, प्राण चल रहा है। अब वो देवता, उस देवता का भजन करो जो तुम्हारे भीतर बैठा है। अंदर शरीर है, इसके भीतर प्राण चल रहा है, प्राण की प्रतिष्ठा है, इसमें तुम पुजारी हो, तुम पुजारी हो, और भगवान इसके भीतर विराजमान है अंतर्यामी। अब मंत्र चल रहा है, अब धीमी श्वास से मंत्र जो पहले बताया आप बाद में करो। तीन में से कोई मंत्र लेते जाओ, छोड़ते जाओ, श्वास लेते जाओ, छोड़ते जाओ श्वास, और मंत्र चलने दो। केवल 2 मिनट फिर छुट्टी, केवल सिखाने के लिए कि ये विधि अच्छी है, इसमें आलस्य नहीं आएगा। श्वास लीजिए और छोड़िए, मंत्र सहित श्वास लीजिए, मंत्र सहित श्वास छोड़िए। बहुत अच्छे, भाग्यशाली हो, भाग्यशाली हो। सुमिरन 1 मिनट, अब कोई जरूरत नहीं है, चिंता मत करो तुम बिजली की, लाउड स्पीकर की। सुमिरन करते रहो, सुमिरन करते रहो, सुमिरन करते रहो। 1 मिनट शांत होकर, सहज, स्वाभाविक, बड़े प्रेम से, कोई और झंझट नहीं, केवल नाम, और कुछ करना ही नहीं। शरीर है, श्वास चल ही रही है, सुमिरन शुरू हो गया, अब बड़े प्रेम से शुरू हो गया, प्रसन्नता से शुरू हो गया, एकाग्रता से शुरू हो गया नाम। 1 मिनट और फिर छुट्टी, केवल 1 मिनट। बहुत अच्छे, बड़े भाग्यशाली हो। जैसे जन्म जन्म का भटका मन प्रभु नाम के सुमिरन में लग गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब आधा मिनट, जैसे कुछ नहीं कर रहे फिर भी अंदर से मंत्र चल रहा है, जैसे सहज चल रहा है, कर नहीं रहा, जैसे मैंने कहा था, जैसे आदत पड़ गई, अध्यास हो गया, नाम चल रहा है, बहुत आराम में हूं, चल रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए छुट्टी। अभी आपको एक ही ध्यान को पहले जो किया है वो बाद में, जो बाद में किया है पहले करके इसका अभ्यास करें और बाकी मंत्र का जाप करें तो आपको बहुत लाभ होगा। अभी किसी को अच्छा लगा हो, देखो अच्छा लगने का नहीं, जिन्हें अच्छा लगा है हाथ उठाएं। अच्छा अच्छा हम जानते हैं सबने उठा दिया। अच्छा जिन्हें बहुत अच्छा लगा है, अच्छा तो 40 दिन कौन करेगा, जरा 40 दिन जो करें हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, 40 दिन खाली पेट सुबह जल्दी उठ जाओ, टाइम निकालो और स्नान करके अपनी पूजा घर में या कहीं बैठकर धरा करिए सच्चे मन से, फिर देखिए कितना लाभ होगा। अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।